हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साक्षी किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं डिलीशियस पालक पराठा रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर आपको हमारा यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक पैन को गर्म कर लिया है, और पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। और ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून जीरा। और जीरे के अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और तड़के को थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और अब हम तड़कों में डालेंगे पालक, जो कि हम पालक का पराठा बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम पालक। और पालक को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं, और अब हम इसे बिना काटे हुए पैन में डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। यह पालक बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश हैं, यह बहुत जल्दी से पक जाएंगे, और हमें इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे ऐसे ही ढक कर एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक पकाने पर पालक एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन सभी मसाले डालने से हमारे पालक के पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इन सभी मसालों को हम 2 मिनट तक ढक कर और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे पालक और सभी मसाले एकदम अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, इससे यह जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। और पालक को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक ग्राइंडर जार में, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती। इससे हमारे पराठों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, खाने में और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इन सभी को हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, और साथ ही थोड़े से पानी डालकर इसे एकदम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े से बर्तन में, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा डालकर हम इसे एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको थोड़े से ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आप इसमें थोड़े से पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बस पालक के पेस्ट से ही आटे को गूंथा है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार है। और अब हम इस डो को 5 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट पर रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, और हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे एकदम अच्छे तरीके से रोटी की तरीके से बेल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पराठे को एक रोटी की तरीके से पहले बेल लिए हैं, और अब हम नॉर्मली जैसे हमेशा पराठे बनाते हैं उसी तरीके से इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, आप जैसा कि देख रहे हैं। और इसे एक बार फोल्ड करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे, और इसे तिकोना इस तरीके से बना लेंगे। और अब हम हाथों से एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और फिर हम इसे नॉर्मली पराठे की तरीके से सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पराठे को एकदम अच्छे तरीके से बेल लिए हैं, थोड़ा सा मोटा ही पराठा बेले हैं, हमें पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और पराठे को हम
अब डालेंगे गरम तवे पर। यहाँ पर तवे को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इस पर डालेंगे पराठे और फ्लेम थोड़ा सा लो ही रखेंगे हम। बहुत हाई फ्लेम पर पराठे को नहीं फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर पराठे फ्राई करने से हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लेंगे। और एक साइड थोड़ा सा सिकने के बाद हम इसे पलट देंगे और अब हम इसके ऊपर से लगाएंगे ऑयल। और अब हम इसे दूसरे साइड से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी अच्छे तरीके से ऑयल लगाएंगे और पराठे को एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पराठे को एकदम अच्छे तरीके से सेक लिया है और इसी तरीके से हम दूसरे पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म पालक के क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हैं और हम इन्हें सर्व कर सकते हैं दही के साथ या फिर ग्रीन चटनी, रेड चिली सॉस या फिर टोमेटो केचप किसी के साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।